और कांग्रेस की ओर से मजदूरों के रेल किराया का भुगतान करने की घोषणा के बाद झारखंड में भी प्रदेश कांग्रेस ने मजदूरों का आंकड़ा जुटाना शुरू कर दिया है और उसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। आपको बताएं, जो प्रदेश कार्यालय में बैठकर मजदूरों की जानकारी कई जिलों से ली जा रही है। मंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिख ये अपील की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी के रेल किराए पर लिए गए निर्णय के बाद झारखंड कांग्रेस राज्य के बाहर फंसे मजदूरों का डाटा तैयार करने में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस भवन में अलग से एक और कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जिसका जिम्मा 5 सदस्यीय कमेटी को दिया गया है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने बताया कि इस कंट्रोल रूम के जरिए मजदूरों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि किस राज्य में कितने मजदूर फंसे हैं और उन्हें कैसे सहयोग किया जाए। हम लोग का हेल्पलाइन नंबर राज्य के अंदर मतलब स्टेट ऑफिस में भी बना है और इसी तरह का हेल्पलाइन हर जिले में कांग्रेस कमेटी का बना है। जो लोग हमें फोन कर रहे हैं, जो लोग मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, तो जो आदरणीय सोनिया जी का निर्देश है कि हम सारा वहन करेंगे उनको लाने का, तो पहले तो हम लोग इसको लिस्ट ले रहे हैं कि कितने लोग कहाँ कहाँ बाहर हैं। उसके बाद हम लोग उन प्रयास करेंगे कि वो लोग जहाँ फंसे हैं वहाँ से झारखंड राज्य में आ जाए, उसी की तैयारी चल रही है। झारखंड कांग्रेस ने मजदूरों को मदद पहुँचाने के लिए जिलावार हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस कंट्रोल रूम के संयोजक सह पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप तुलसियान ने रेलवे के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इसमें साफ लिखा है कि मजदूरों से रेलवे किराया वसूलेगी। वहीं पार्टी के निर्देश पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी तो सरकार से भी मजदूरों का डाटा ले उन्हें मदद पहुँचाएगी। पर्याप्त संख्या में श्रमिक हो जाएंगे तो हम रेलवे से मांग करेंगे, झारखंड सरकार की ओर से मांग करें या अपनी ओर से मांग करें, हमें आपका जितना सीट है बुकिंग कर लीजिए, भाड़ा हमसे ले लीजिए और उतने लोगों को वहाँ से लेते आइए, यही इसका उद्देश्य है। आप लोग तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, आकलन कहाँ से हो रहा है कि कौन कहाँ फंसा है और उनको मदद किस तरह से दी जाए? अभी तक मैंने आपको कहा ना कि हेल्पलाइन नंबर सारे जिला में जारी हैं, प्रदेश में भी जारी हैं। इसके लिए प्रदेश में अलग से समन्वय कमेटी भी बनी है जो भी कार्यरत है, और इसी सब माध्यम से हम लोगों को, हम समझते हैं कि अभी तक 3000 के लगभग डाटा आ गया है। झारखंड के मजदूरों का आंकड़ा जुटाने की कवायद प्रदेश कांग्रेस ने तेज कर दी है, जिसके जरिए सोनिया गांधी के निर्देश को पूरा करने की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। इस बीच मिली जानकारी के अनुसार पार्टी मजदूरों को देने वाली रकम राज्य की सरकार को दे सकती है, जिसके जरिए मजदूरों की वापसी में कांग्रेस अपनी भूमिका निभा सके और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन कर सके। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।